बुलाया? हाँ आओ बैठो। अर्चना, आज तक हमने हमारी हर जिम्मेदारी निभाई, बस आज एक और निभानी है। कैसी जिम्मेदारी? अर्चना, ये मेरी विल है, इसमें ओवी, तेजू और सचिन का नाम पहले से ही था, आज इसमें मैं एक और नाम जोड़ रहा हूं, पूर्वी का। मानव, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अर्चना, आखिर वो भी तो हमारी बेटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर मानव, कि आप पूर्वी को अपनी बेटी मानते हैं और उसके लिए इतना सोच रहे हैं। लेकिन वो सोहम, मानव, सोहम हमारा बेटा है और इस नाते उसका पूरा हक बनता है इस फिल्म पर। ठीक है अर्चना, अगर तुम कहती हो तो मैं सोहम के नाम पर भी कुछ शेष रख देता हूं, लेकिन ये शेयर्स एक ट्रस्ट में रहेंगे। अगर जेल से छूटने के बाद मुझे लगा कि वो सुधर गया है तो उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो ये पैसे गरीबों के लिए चले जाएंगे। अर्चना, मैंने सारे बच्चों के नाम शेयर्स रखे हैं, लेकिन इसकी नॉमिनी तुम ही रहोगी। मैं क्यों? मारा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं ऐसे भी। और सच को माना, मुझे बस आप चाहिए और कोई नहीं। मानव, हमने हमने इतना अच्छा वक्त बिताया एक दूसरे के साथ, मेरे साथ बस वही यादें काफी। आपको याद है जब पहली बार हम एक दूसरे से मिले थे, इतनी जोर की बारिश हो रही थी और आपने मुझे छाता दिया था। और फिर शादी के बाद मेरे हर छोटे मोटे काम में आप मेरी मदद किया करते थे। क्या कर रही? मानो वो मुझे यहाँ पे बहुत खुजली हो रही है, जब भी मुझे बहुत गर्मी होती है यहाँ पे बहुत खुजली हो रही है, प्लीज खुजाइए, मेरा हाथ खराब है, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे साथ बर्तन धुलवाते थे, याद है? ला मुझे तो। मानव प्लीज रहने दीजिए। दो ना। मानव मैं। और फिर शाम को मुझे रोज घुमाने लेकर जाते थे, पाव भाजी खिलाते थे, है ना? और फिर दिन भर की बातें हम रात को एक दूसरे से शेयर किया करते थे। बस मुझे वो पल चाहिए मानव, और कुछ नहीं। और मैं अपनी यादें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, किसी के साथ भी नहीं। मैं भी। फिर एक वक्त ऐसा आया मानव कि हमारे बीच बहुत सारी मुश्किलें आई, हम दोनों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कड़वी यादें थी बहुत, लेकिन फिर भी तुम मुझे और मेरे परिवार को नहीं भूली। यहां तक कि मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें, तुमने उन पैसों की FD बनाई और वो FD तेजू रोगी के नाम कर दी थी। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे मानव। कैसी गलती? मानव, मैंने ओवी तेजू के नाम तो पैसे कर दिए, लेकिन सच्चू के नाम कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मानव, अब आप विल बना ही रहे ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? ओवी, पूर्वी, तेजू, इन सबसे ज्यादा थोड़े से ज्यादा शेयर सच्चू के नाम कर दीजिए। क्यों आई? मेरे नाम पर ओवी, तेजू और पूर्वी से ज्यादा शेयर्स क्यों? सच्चू, क्योंकि तू हमारा बेटा है और तेरा पूरा हक बनता है। नहीं आई, बाबा की प्रॉपर्टी पर ओवी, तेजू और पूर्वी का हक है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं
अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस प्रॉपर्टी की। लेकिन सच्चू तू ऐसे, आई मैं तेरी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन प्लीज तू मेरी जगह आके सोच। ठीक है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। थैंक्स बाबा, आपको जो लिस्ट चाहिए थी वो इस फाइल में। थैंक्स, मैं भी फाइल्स रख देता हूँ। ओबी को फोन कर ले। हाय बोल। ओबी वो बहुत लेट हो गया, मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, तो सो तो नहीं रही थी ना? नहीं आई, मैं नहीं सो रही थी, और तुझे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तेरे फोन से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता थी। अच्छा ये सब छोड़, बता बात क्या है। अच्छा वो ओवी, पूर्वी यहाँ पर रहने आ गई। आई पूर्वी आप लोग के साथ रहने आई है, पर मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वो पूर्वी आज आज ही यहाँ पर आई, मैं उसे लेकर आई। ओवी तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता, पूर्वी अगर यहाँ रहेगी तो मैं। नहीं आई, मुझे क्या प्रॉब्लम हो। और हाँ मैं अब कौन सा वहाँ रहती हूँ कि पूर्वी के वहाँ रहने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन हो। एंड आई नो कि पूर्वी तेरे साथ रहेगी तो तुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, और फिर तू खुश तो मैं भी खुश। ठीक है बाय। आई बाय, गुड नाइट। गुड। लेकिन तू पूर्वी के लिए साड़ी सिलेक्ट करने में मेरी मदद करना बेटा। ओ आजी मुझे एक साड़ी वाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं क्या सिलेक्शन करवाऊंगी। अरे कलर पूर्वी के लिए साड़ी क्यों लेनी है। लेकिन अरे वो हमारे घर आ रही है ना रहने के लिए, तो मैं उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। पूर्वी की कौन सा शादी हुई है, साड़ी देने की क्या जरूरत है, अच्छा सा ड्रेस देते है ना। आइडिया अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, अभी मेरी पोती लगती है तू। बैठ बैठ। ए भाई ड्रेसेस दिखाना अच्छे से। जिग्नेश तूने बोला जिग्नेश, तू पहचान थी इसका नाम। अब अभी दादा ने नाम लिया ना, जिग्नेश ही है ना आपका नाम। हाँ जिग्नेश। तो ड्रेसेस दिखा। मैं आज आपको ऐसी ड्रेसेस दिखाऊंगा ना जो दुनिया की बेस्ट ड्रेसेस है। क्या बेस्ट है क्या बुरा है वो सब मैं देखूंगी। कस्टमर कौन है बेटा? मैं हूँ ना, तू खाली सिर्फ ड्रेसेस दिखाने का काम कर। बोला कानपुर ना कलेक्शन माथी थोड़ा निकाल दे मर। बोला ब्लू ऑरेंज या लेटेस्ट। वैसे आपसे पूछ सकता हूँ आपको ये क्यों खरीदने? पहनने के लिए खरीदने बेटा। नहीं मेरा मतलब है कि ओकेजन क्या है। मेरी पोती को गिफ्ट देना है। ओ गिफ्ट गिफ्ट सो आज बहुत मजा उसे। देखो ये क्या, इसका वर्क देखो, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी। नहीं चक चक नहीं पसंद। गला गया रे, नहीं नहीं बोल के मेरा गला गया। मुझे पानी मिलेगा क्या? पानी? गला सूख गया मेरा। पानी के साथ मैं आपको अच्छी अच्छी आदू की चाय पिला दूं, अदरक की चाय। तेरा गला हफ्ता ने कितनी बकबक करता रे तू। ये मेरा काम है ना, इसलिए तो मुझे पैसे मिलते हैं। दूसरा अच्छा वो दिखाओ, वो दिखाओ। अने पानी अने चाय जल्दी हो फटाफट दिखा। ये आज ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। इसके ऊपर एक खिल के दी। हाँ एक काम करो, ऐसे वाले तीन देना। अच्छा तीन निकाल देना नरेंद्र, आज बैठ जाना। इसलिए मतलब एक पूर्वी के लिए, ये मेरी पोती के लिए, और तीसरी ओवी के लिए। पर आजी मैं ये सब नहीं पहनती। ए तेरे नाटक इधर दुकान में मुझे मत चिल्लाने को बोला। कनाडा में इतनी चड्डी पहन के घूमती थी उधर चलता था, मुंबई में नहीं चलता है, तुझे ये पहनना पड़ेगा समझी।
बात मत कर। तुम्हें मेरे लिए साड़ी देखा? बहुत अच्छा कलेक्शन। ये पैक करो तब तक मैं मेरे लिए साड़ी देखती हूँ। तू किधर जाती है? देख इधर। करण पार्सल करी दे। थैंक गॉड बच गए। और आपके उसे फंस भी जाए। अगर आपकी आजी को पता चल जाता कि मैं स्नेहलती खांडेसी का बेटा हूँ तो। हाँ हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया ना। हाँ वो तो है। एक सेकंड। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? आई एम सरप्राइज्ड। आज मैंने देखा तुम कितना बोलते हो। कितना ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बोलते हो। वैसे तुम और तुम्हारा भाई ना टोटली ऑपोजिट है एक दूसरे से। जानता हूँ। वैसे तुम्हारा भाई बहुत बड़ा भुलक्कड़ भी है। पिछली बार जब मेरे घर आया था ना तो अपनी पासबुक भूल गया था, पर इस बार जब वो मुझे मिला था ना तो वो ये भूल गया था। ये तुम्हें कहाँ मिली? कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप? हाँ, हम दोनों कॉफी शॉप में मिले थे। तुम्हें पता है सनी जानता है कि मेरी माँ जी से कितनी नफरत करती है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया होता तो क्या होता? ओहो, हम यहाँ नहीं मिले थे, हम बैंड्रा में मिले थे। थैंक गॉड। वैसे पता है ये मैंने उसे गिफ्ट की थी, ये की चेन। देख लो तुम्हारा भाई तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट किस तरह संभाल के रखता है। जानता हूँ। वैसे एक बात बताओ मुझे। तेजू तो अभी तक इधर ही खड़ी है। सिलक नहीं किया कुछ? तेजू पसंद ही कर रही थी वो। क्या बोला? तेजू तू कैसे जानता है इसको? कुछ देर पहले आपने इसे इसी नाम से पुकारा था ना, तो मैंने रजिस्टर कर लिया दिमाग में। ग्रेट बॉय। चलो तो बिल बनाओ, बिल बनाओ। हाँ। और आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सारी शॉपिंग की आपने। मैं यहाँ पर बिल बना रहा हूँ, अब वहाँ पर पेमेंट कर। चलेगा। चल। थैंक यू। इतना अच्छा लड़का है ना, इतनी प्यार से आदर से बात करता था। घर वालों ने अच्छी सीख दी है। चल आगे जाके और काम करने हैं हमको। चलो चल। मैम ये बाकी की फाइल्स हैं। हाँ एक काम करिए, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स मिक्स हो गई है जी, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल्स और अकाउंट फाइल्स ये दोनों अलग रख दीजिए। ओके मैम। हाउसिंग प्रोजेक्ट। डेट क्या थी? 19 नवंबर। अरे भागा जा रहे, ये लाइट यहाँ पर लगानी है। नहीं अर्चना, वहाँ दरवाजे पे लगा दे। मुझे दरवाजे पे नहीं, खिड़की पे लगानी है। लेकिन अर्चना ये दरवाजे पे अच्छी लगेगी क्योंकि सब लोग दरवाजे से आएंगे ना। नहीं पर मुझे खिड़की पे लगानी माना, मुझे चाहिए कि लोग खिड़की से देखें हमारी लाइट। आप दरवाजे दरवाजा करो। आई बाबा आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पूर्वी लड़ इसलिए रहे, मुझे ये लाइट खिड़की पे लगानी और मानव को ये लाइट दरवाजे पे लगानी। प्रॉब्लम ये और मैं ये लाइट खिड़की पे लगाऊंगा। लेकिन मानवी टीवी से आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं, लगता है टीवी में कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप किसी को बुला लीजिए मानव, पता नहीं करंट वरंट लग गया तो। बाबा आपसे एक बात कहूँ? बोलना। बाबा मैं हमेशा से हैरान रहती थी कि आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना सारा काम, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब होते हुए भी आप ये छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ कैसे ढूंढ लेते हैं? बेटा इतनी छोटी छोटी चीजों में ही सबसे बड़ी खुशी छुपी होती है। और एक बिजनेसमैन होने से पहले मैं एक बेटा, एक पति और एक पिता, और ये रिश्ते निभाने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखे, आदमी अपनी औकात से नहीं नियत से बड़ा होता है। हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, आपसे ये सारी चीजें सीखूंगी। अच्छा आप लगाइए ना दरवाजे पे, मैं यहाँ लगाती हूँ खिड़की पे। हाँ मैं लगा दूंगा। Hey, Ovi. You know what? Actually, हम आज लंच पे कहीं बाहर चलते हैं। Let's go for a change. What do you think? So nice of you, Arjun. But आज possible नहीं हो पाएगा। कुछ पुरानी files हैं, उसे close करने। Okay. Never mind. हम फिर कभी चलेंगे। वैसे Ovi वो हमारा जो नया कंसाइनमेंट आया की रिपोर्ट आई थी वो चेक की तुमने? ग्रेट, तुम अपने काम में काफी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हो, इट्स अ गुड थिंग। वो भी वो एक्चुअली वो पूर्वी आई थी कल ऑफिस में, मुझे भी नहीं पता था कि वो आने वाली है। उसका कुछ ग्रेच्युटी अमाउंट पेंडिंग था तो वो कलेक्ट करने आई थी। एंड अर्जुन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आई मीन जैसे मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा ना, फिर क्यों? आई नो तुमने नहीं पूछा बट मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि तुम्हें, ताकि कोई और स्टाफ का मेंबर मुझे ये सब ना बताए, इसलिए तुम मुझे पहले ही बताना चाहते हो? लुक ओवी, ऐसी कोई बात नहीं और तुम एज यूजुअल मुझे गलत समझ रही। मैं सिर्फ अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहता था ताकि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दैट्स इट। और इसीलिए तुम मुझे लंच पे ले जाना चाहते थे। तुमने सोचा होगा ओवी को लंच पे ले जाऊंगा तो ओवी खुश हो जाएगी, उसके बाद उसे वहां जाके सब कुछ समझा दूंगा, तुम्हारे लिए डील करना कितना आसान हो जाएगा, राइट? दैट्स इट ओवी। व्हाई? मेरी हर बात का गलत मतलब निकालना, दैट्स योर चॉइस, राइट? एवरी टाइम। लुक, मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता लेकिन मेरे लिए पूरी की पूरी सिचुएशन, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक एट यू, तुम मेरे लिए हर चीज, व्हिच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। यू नो व्हाट, तुम नहीं समझोगी, दिस इज नॉट वर्किंग, रिडिकुलस। अर्जुन, हमारे बीच के इन प्रॉब्लम्स की वजह वो पूर्वी है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब करके खुद चैन से जी रही है, मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है वो। पहले मेरे घर में आके रहने लगी और अब ऑफिस में आकर तुमसे मिल रही है। तुमने मुझे ये तो बताया कि पूर्वी यहाँ ऑफिस में आई थी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच में बातें क्या हुई। कैसे है सरकार? मारेंगे एक रद्दस। ये नहीं अगर पूछना है कि हम कैसे हैं, यहाँ का आदमी खुशी खुशी नाच रहा होता है मोर बनके सर। हाँ, एक तो ससुराल मानव देशमुख को किडनैपिंग करने का जब से प्लान बनाया, पनौती बढ़ गई हमारे पीछे, सब कुछ उल्टा हो रहा है। सदा हमारा पूरा परिवार जेल में और वो हमारा लालक सिंह पे गोली चलाने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। सरकार, आपके कहने के मुताबिक उनके परिवार पर पूरे नजर रखे हुए हैं, अब वो ससुरी पूर्वी भी उनके घर में रहने चली गई है। देख साला, उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रह रहा है और हम यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। कहे कहे कि वो साला पैसा वाला है और हम कंगाल, लेकिन हम भी बहुत दिन चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा पलटवार करेंगे, ऐसा पलटवार करेंगे जो जिंदगी भर याद रखेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुन, हम यहाँ जेल में बैठकर मानव देशमुख का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर और देशमुख जानते नहीं कि तू हमारा आदमी है, अब हमारी जगह तू का सबक सिखाएगा। जी सरकार। मानव देशमुख, दुनिया की कोई भी जेल की दीवार तो
मौका बर्बाद करने से हमका नहीं रोक सकते। हमारे मना करने के बाद भी तूने हमारे लाला के खिलाफ गवाही दी, जबरदस्त कीमत चुका।